एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें क्या कहते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कोमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3.6 एंड -3.4। देखो ये सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने पहले किया, क्वेश्चन नंबर 9 वही इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रिलेशन निकालना है एक्स और वाई का। जैसे वहाँ पर तो ए की वैल्यू निकालनी थी एक्स की, यहाँ पर क्या है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना, तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो क्या कहते हैं, सच दैट द पॉइंट एक्स कोमा वाई, जैसे मान लो ये पॉइंट हमने मान लिया ए और ये एक्स कोमा वाई वाला है, ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस है ये पॉइंट कहाँ से, 3.6 वाले से, तो ये बी पॉइंट मान लिया मैंने 3.6 वाला, और ये वाला सी पॉइंट मान लिया इधर, ये क्या है आपके पास -3.4, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ए जो है बी से भी इक्वी डिस्टेंस है कितना, जितना वो सी से है, ठीक है, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ए जो है इक्वल डिस्टेंस पर है बी से और सी से, तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू में ए सी है। ये चीज़ आपको पहले भी बताई है मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ए बी इजकल टू में ए सी है, ये कहानी समझ में आई। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं, हमें पता चल गया ए बी इजकल टू ए सी है, तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। देखो फॉर्मूला हमें पता ही है, डिस्टेंस फार्मूले का क्या होता है, एक्स टू माइनस में एक्स वन का स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस में वाई वन का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऊपर होता है। तो देखो अब इसमें ए बी में हम ये मान लेते हैं हमारा एक्स वन वाई वन और ये वाला एक्स टू वाई टू, या फिर इसको एक्स वन वाई वन ले लो और इसको एक्स टू वाई टू ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है। तो देखो जरा अब एक्स टू क्या है हमारे पास एक्स, और ये एक्स वन कितना है 3, तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में वाई टू कितना है वाई है माइनस में वाई वन कितना है 6 है इसका स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये होता है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 इंटू में 3 इंटू में एक्स, समझ में आया। ए ये हो गया एक्स, बी ये हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर और इधर एक्स का स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, तो 2ab, इस तरीके से आपने समझ लिया ये, ठीक है। प्लस में यहाँ पर भी यही होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 इंटू में वाई इंटू में 6 या 2 इंटू 6 इंटू वाई, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस में 2 3 6 6x हो गया ये, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 6 6 36 माइनस 6 2 12 वाई, ये आ गया आपके पास ये, ठीक है। तो इसको अगर हम अरेंज करें ऐसे ढंग से तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ये वाई स्क्वायर हो गया इधर ले आया मैं, और 6x है माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस 9 और प्लस का 36, तो कितना हो जाएगा ये 45 हो जाएगा, तो प्लस का 45 आ गया ये, ठीक है। बाकी तो और तो सॉल्व नहीं हो सकता इसमें, तो ये देखो ए बी ये आ गया। ऐसे ही हमें निकालना है ए सी, तो ए सी के लिए देखो ए सी के लिए भी फॉर्मूला तो यही रहेगा डिस्टेंस फार्मूले में, यहाँ पर हम इसको एक्स वन वाले लेते हैं, इसको वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू, तो देखो क्या होगा एक्स माइनस में माइनस का 3, देखो ना ये क्या होता है एक्स टू माइनस में एक्स वन, तो एक्स वन क्या है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर माइनस 3 है, तो इस तरीके से आया ये। प्लस में वाई टू कितना है वाई माइनस में वाई वन दैट इज़ 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक्स प्लस में 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर है, प्लस में वाई माइनस में 4 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी बन रहा है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आ जाता है यहाँ पर प्लस आ जाता है, तो देखो ये कैसे करेंगे हम, ए स्क्वायर दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू में 3 इंटू में एक्स, प्लस में अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 4 इंटू में वाई, ये आ जाएगा। यहाँ माइनस क्यों है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ प्लस क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ठीक है, ये पता ही होगा आपको। देखो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3 3 9 2 3 6x प्लस में वाई स्क्वायर 4 4 16 2 4 8y, ये है, ठीक है जी। तो देखो अब इसको भी अरेंज करते हैं थोड़ा ढंग से, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6x माइनस का 8y, समझ रहे हो, पहले मैंने स्क्वायर वाले लिख दिए, फिर सिंगल एक्स वाई वाले लिख दिए, फिर ये कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स लिखेंगे, प्लस का 9 और ये 16, कितना हो गया ये प्लस का 25 हो गया, ठीक है, क्लियर है इतनी कहानी। अब देखो जरा यहाँ पर कर देता हूँ मैं आगे, देखो अब हमें पता है ये इक्वी डिस्टेंस था, ये वाले जो एक्स कोमा वाई थे ये इनसे क्या थे इक्वी डिस्टेंस पे थे, तो इसका मतलब ये ए बी और ये ए सी इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू में ए सी है। तो देखो ए बी की वैल्यू रखते हैं हम, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6x माइनस का 12y प्लस का 45, ये है। और ए सी की वैल्यू जो है जो अभी हमने यहाँ पर निकाली थी ये वाली, ये देखो ये क्या है अब हमारे पास, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये देखो ये गिवन ये आया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6x माइनस का 8y प्लस का 25,
तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तभी ये रूट हटेंगे यहाँ पर, या फिर आप ये रूट से रूट ऐसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये अगेन मैं लिखूँगा एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में 6x माइनस का 12y प्लस का 45, इसका स्क्वेयर हो गया इज इक्वल टू में, इस पूरे का भी ऐसे ही करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 6x माइनस का 8y प्लस का 25, इसका भी क्या कर दिया हमने स्क्वेयर, स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल। तो यहाँ क्या वैल्यू बची, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में 6x माइनस का 12y प्लस का 45 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में 6x माइनस का 8y प्लस का 25। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, देखो ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर, आपको पता है इक्वल टू में अगर सेम वैल्यूज़ हो, ठीक है, और सेम साइन के साथ, तो ऐसे ही कट कर सकते हैं, नहीं तो आप इधर लाते इसको एक्स स्क्वेयर को, माइनस का एक्स स्क्वेयर होता और इधर प्लस का एक्स स्क्वेयर कैंसिल होते, ये वाई स्क्वेयर इधर जाके माइनस का वाई स्क्वेयर और ये प्लस का वाई स्क्वेयर, तब कैंसिल होते, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे ये 6x है, यहाँ माइनस का और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते इक्वल टू में, हाँ जब इसको इधर लेके आएंगे तब ये देख लो ना अब माइनस का 6x बनेगा, समझ रहे हो, तो इस वजह से। तो देखो ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो माइनस का 6x और माइनस का ये 12y प्लस का 45 प्लस का 6x, ये माइनस का हो जाएगा 6x इधर जाएगा, जब माइनस का 8y प्लस का 8y हो जाएगा और प्लस का 25 माइनस का 25 हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखो माइनस का 6x और ये कितना हो गया माइनस का 12x, 12y माइनस का और ये वाला प्लस का 8y है, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आ गया, 12 में से 8 माइनस करोगे 4y आएगा, और ये 45 और माइनस 25 करो कितना आएगा ये आपके पास, प्लस का 20 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसमें से माइनस का 4 कॉमन लोगे तो इधर कितना बचेगा 3x, यहाँ पर y और ये प्लस का 4, और ये देखो माइनस भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ का तो प्लस हो ही गया, यहाँ वाला ये प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 4 5 20, समझ पा रहे हो ना साइन क्यों चेंज किया, क्योंकि माइनस बाहर लिया है हमने, ठीक है, और ऐसे माइनस में रख नहीं सकते इस तरीके से वैल्यूज़ को, ठीक है। तो हमने माइनस को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और 4 भी इनमें से कॉमन आ रहा था क्योंकि देखो ना 4 के टेबल पर जा रही हैं तीनों टर्म्स, तो 4 भी बाहर आ गया, तो 4 3 12, 4 1 तो 1y आया है, और 4 5 20, और माइनस बाहर लिया था तो ये वाला माइनस यहाँ प्लस बन गया, ये माइनस यहाँ प्लस, ये प्लस वाला यहाँ माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, 3x प्लस में y माइनस में 5 इक्वल टू 0, ये 0 इधर और ये माइनस 4 कहाँ गया, माइनस 4 देखो इधर जाता है नीचे माइनस 4, तो 0 बाई माइनस 4 क्या होता है, 0 ही होता है, तो 3x प्लस y माइनस में 5 इसका क्या होगा आंसर होगा। और उसने देखो बोला था ना रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो ये रिलेशन बिटवीन x एंड y मतलब क्या है, एक इक्वेशन ही आपको बनानी थी, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया, क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो से हम 7.2 स्टार्ट करेंगे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।